हे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्पेशल ब्लॉग। जैसे सिंगर वॉचिंग में और मैं चैनल तारा, और फिलहाल अभी दिन के बज रहे हैं 8। लिफ्ट में लाइट ही नहीं आ रही तो सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ यार पेपर देने के लिए। डी यू का फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर स्टार्ट हो गया। फर्स्ट पेपर मैंने दे दिया, आज सेकेंड पेपर है। और पता है कहाँ पे देने जा रहा हूँ भाई? डीयू के टॉप कॉलेज हंसराज कॉलेज में जा रहा हूँ पेपर देने के लिए। भाई इसमें एडमिशन तो नहीं हो पाया था, इतने परसेंटेज मेरे बने नहीं थे। लगा नहीं था भाई जा पाऊंगा दिल्ली के अच्छे कॉलेज में, लेकिन यस पेपर देने के लिए भाई वहाँ जा रहा हूँ। पहला पेपर दे के आया था तो देखा था यार कैंपस उतना बड़ा है ही नहीं। डीयू के जितने भी कैंपस है सारे छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे। जो प्राइवेट कॉलेज है ना उनके कैंपस भाई बहुत बड़े होते हैं। से लगेगा टाइम 1.5 घंटा जाने में। तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना सोई वे, तेरी मोहब्बत सताया वे सारी रात जागी ना सोई। 215 ये देख लो हंसराज कॉलेज ऐसा था लग रहा है। बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है भाई हंसराज कॉलेज, ठीक है। अपना रूम नंबर है 215। ये है भाई रूम 215। फाइनली पेपर तो खत्म हो गए और इधर घूम रहा था। ये देखो क्या यहाँ पे कौन देखे, वो शाहरुख खान। ये है भाई दी बॉल, इस पे पता नहीं किन किन का फोटो लगा हुआ है। ये देख लो क्या बात है, यही है हंसराज कॉलेज फ्रंट एरिया। ड्रीम था भाई यार डीयू के कॉलेज में एडमिशन हो जाए, पर उतने परसेंटेज बने नहीं तो इधर आ नहीं पाए। लेकिन किस्मत देखो भाई, पेपर देने के लिए इसमें आ गया, वो भी दिल्ली के टॉप कॉलेज। चलो अब चलते हैं, पेपर कंप्लीटेड। पेपर काफी इजी था, डिफिकल्ट भी नहीं था। अगर डीयू के बच्चे देख रहे हैं तो बता दो यार, जैसे आपने लास्ट टाइम पेपर दिया था ना ऑफलाइन, सेम वही प्रोसीजर वगैरह है। सिर्फ एडमिट कार्ड ही लेके आओ, आई कार्ड लाने की उतनी जरूरत नहीं है। और फिर अंदर फोन वगैरह अलाउ तो नहीं रहता, बैग में रख के बाहर रख दो। और वहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे थे अगर पकड़े गए चीट वगैरह लेके जा रहे हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने पास रख के पेपर दे दो तो 5 साल के लिए फिर वो बैन कर देंगे, पेपर नहीं दे पाओगे। तो चीटिंग भाई बिल्कुल मत करना। इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा घुमाया हुआ नहीं रहता क्वेश्चन, बस एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना होता है, तो बहुत इजी से पेपर आ रहे हैं। अभी अपन इधर आ गए, ये हंसराज के हॉस्टल के सामने पास में हॉस्टल है, उस साइड कॉलेज है। थोड़ा सा चलने पे 200-300 मीटर चलने पे यहाँ हॉस्टल है। भाई कल तो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे क्रोरिमल कॉलेज के सामने, इसके आगे यहाँ पे कल प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज नहीं कर रहे। डीयू के यहाँ ना यार साइड साइड में ही कॉलेज है, जैसे FMS ये साइड में है, उसके जस्ट उस साइड क्रोरिमल है, पीछे की ओर जाओ कितना 300-400 मीटर तो हंसराज आ जाता है। ये देखो यहाँ पे अपने पे दिखा कैंपस लॉ सेंटर फैकल्टी ऑफ लॉ डीयू, नॉर्थ कैंपस है कॉलेज। और यहाँ पे आने के लिए आपको आना पड़ेगा विश्वविद्यालय से, 20 रुपए दो ऑटो रिक्शा को और आ जाओ। और सभी कॉलेज से डीयू कैसे अलग है, यहाँ पे भाई इतने को करिकुलर एक्टिविटी होते हैं ना भाई, जो इंट्रोवर्ट बच्चा आएगा तो भाई एक्सट्रोवर्ट बन के पक्का जाएगा। भाई साहब यहाँ पे क्या बिजनेस चल रहा है यार, अपन भी स्टॉल खोल सकते हैं। वहाँ पे सारे कॉलेज के बच्चे और फिर एक स्टॉल खोल के बैठ गया ना, मस्त भाई मस्त बिकेंगे, बिजनेस खड़ा कर सकते हैं इसे। ये भाई क्राउड है विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर, मुझे ऐसा लग रहा है सारे के सारे डीयू के बच्चे। ये तो देख लो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भाई साहब, जिनका सुबह 9:30 से 12:30 पेपर था वो बच्चे अभी सेकेंड शिफ्ट वाले जा ही रहे होंगे। हम लाइन में वेट कर रहे हैं। अरे दिल्ली में MCD का इलेक्शन हो रहा है ना, आपने वोट गिराया भाई? 18+ हो गए और वोट नहीं गिरा रहे, जाओ गिराओ। ये देखो कल मैं वोट गिरा के आया था। तो जनाब फिलहाल आज अपन का फर्स्ट टाइम है, मतलब वोट गिराने पहली बार मैं जा रहा हूँ। दिल्ली में हो रहा है यार MCD का इलेक्शन हो रहा है, तो अभी चल के वोट गिरा के आते हैं। और ये तो नहीं बता सकता भाई किसको मैं देने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन फर्स्ट बार ही जा रहा हूँ, हाथ में लगेगा काला कलर का टीका। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। कैसा लग रहा है, क्या मिला है?
विधानसभा 34, वार्ड संख्या 136, क्रम संख्या 693 और यहीं पे CRPF स्कूल है भाई। किधर है स्कूल, कहाँ कहीं दिख रहा है कुछ? वो रेड वाले, यस, उंगली आ गया, ये देखो इस पे निशान लग गया, अभी हटेगा नहीं, परमानेंट होता ही है भाई साहब। पहली बार लाइफ में वोट गिराया, मजा आ गया। किसको दिया था मैंने याद भी नहीं है, किसको मैंने वोट दिया मेरे को याद भी नहीं है। याद नहीं है, बताना नहीं चाह रहा। किस पे बटन दबाया था यार? ये क्या होता है, आंख बंद करके ऐसे कुछ भी दबा के आ गया? अंदर कैसा सिस्टम था, एक लाइन से होते हुए कैंडिडेट खड़े थे, उनका नाम लिखा था, लोगो बना हुआ था, उसी के आगे बटन दबाना था। जैसे बटन दबाया वैसे आवाज आई पी, मतलब जो भी बनेगा उसमें मेरा योगदान होगा। ये चीज बताई नहीं जाती भाई, किसको वोट गिराया नहीं गिराया, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा भाई मैंने किसको वोट गिराया। लेकिन ये देख लो, जो हाथ पे मार्क लगाया था ना, स्किन वाला तो यार ब्लैक हो गया, लेकिन जो नाखून पे है वो रेड है अभी भी। और ये आज दूसरा दिन है, फिर भी नहीं गया ये उंगली पे से। चलो इस ब्लॉग करते पे खत्म, आई होप ये ब्लॉग पसंद में आएगा आपको, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सो बाय, स्प्रेड लव एंड पीस।